सदर लोकसभा सीट से भारतीय एकलव्य पार्टी ने मुनीर निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुनीर निषाद शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए पहुंचे और जिला अधिकारी के विजयन पांडेन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। मुनीर निषाद ने कहा कि गरीब और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनका उत्थान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय एकलव्य पार्टी के उम्मीदवार मुनीर निषाद ने कहा, ये बोल दीजिए लिखा ब्लॉग के दे दीजिए, आपका प्रस्ताव दस लोग कहाँ है, तीन दिन का बुला दीजिए। नामांकन हो गया, किस पार्टी से नामांकन? हम भारतीय एकलव्य पार्टी से नामांकन। हाँ, गरीबों को, गरीब और पिछड़ी वर्ग को उत्थान करेंगे और स्वावलंबन को बढ़ावा देंगे और देश हित में अपने योगदान देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी पार्टियाँ इसमें चुनाव लड़ रही हैं सक्रियता से, हम सबसे उच्च स्तंभ पे देख रहे हैं। क्या मानते हैं कितने वोट मिलेंगे? अब हमको सर्वश्रेष्ठ वोट मिलेगा।